Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk. दोस्तों आज मुझे कुछ और वीडियो बनाने का मन नहीं किया तो मुझे लगा कि चलिए मैं आप सबको मेरे टेबल पे रखा हुआ कुछ टेक्निकल टूल कुछ स्टब्स के बारे में या स्टब्स के साथ जो है फैमिलियर कराता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा टेबल है, काफ़ी मेसी है और यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ जो है वो रखे हुए हैं। तो मैं थोड़ा आप सबको मेरे सब सब्सक्राइबर को और व्यूअर्स को इन स्टब्स के साथ थोड़ा फैमिलियर कराता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा HP का लैपटॉप है जिससे मैं अपने YouTube के काम करता हूँ और YouTube वीडियोस बनाया करता हूँ। तो बेसिकली ये एक HP लैपटॉप है जिसमें 8 GB रैम है और ये i5 इंटेल का जो है प्रोसेसर है इसमें। तो इसी से मैं अपना डेली YouTube वीडियोस बनाया करता हूँ या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे सारे काम जो है वो करता हूँ। इस लैपटॉप को छोड़ के भी मेरे पास एक डेस्कटॉप भी है जो दूसरे रूम पे रखा हुआ है। तो ये मेरा लैपटॉप है HP का। इसके ऊपर यहाँ पे आप देखिए ये छोटा सा एक डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल टेबल क्लॉक। तो इस क्लॉक को मैं अपने टेबल पे रखता हूँ टाइम देखने के लिए। यहाँ पे एक OTG केबल रखा हुआ है। OTG केबल का काम तो आप जानते ही हैं, आपको अलग से बताने का ज़रूरत नहीं है। ये मेरे अपने काम के लिए इस्तेमाल होता है। इसको छोड़ के यहाँ पे एक लाइटर है। मैं एक स्मोकर हूँ तो मैं स्मोकिंग करता हूँ तो इस लाइटर से ही करता हूँ। अच्छा, ये मेरे एक बहुत ही फेवरेट चीज़ है। ये सेलेस्ट्रॉन कंपनी का एक फर्स्ट स्कोप टेलीस्कोप है जिससे मैं स्काई वॉच करता हूँ। मेरे पास और भी एक टेलीस्कोप है लेकिन ये एक टेबल टॉप टेलीस्कोप है तो मैंने इसको अपने टेबल पर रखा है। ये बेसिकली एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है। यहाँ पे पीछे एक मिरर का इस्तेमाल किया जाता है रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में। आपको नहीं पता तो आप जान सकते हैं। बेसिकली मेन दो टाइप के टेलीस्कोप जो होते हैं वो है रिफ्रैक्टर एंड रिफ्लेक्टर। तो ये एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, इसे मैंने परचेस किया था और मैं इसे स्काई वॉच करता हूँ। ये उतना पावरफुल नहीं है, इसको छोड़ के भी मेरे पास और एक पावरफुल टेलीस्कोप है जो काफ़ी बड़ा है और मेरे दूसरे रूम पे रखा हुआ है। ये एक फ़ोन स्टैंड है, बेसिकली इसके साथ टेक्निकल कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वेबकैम या वेब कैमरा है, मेरे डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल होता है ये। इसको छोड़ के एक ग्लोब है जो मेरे खुद के काम के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसका काम भी आप जानते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। ये बेसिकली तपाड़िया कंपनी का एक प्रिसीजन स्क्रूड्राइवर सेट है जो मेरे लैपटॉप रिपेयरिंग या फिर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप, इसे तो आप सब जानते हैं, ये एक USB फ़ैन है जिसे आप अपने लैपटॉप के USB पोर्ट में या फिर मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बोथ USB और यहाँ पे Type 2 दोनों टाइप के पोर्ट में ये इंसर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो ये एक USB फ़ैन है। ये मेरा परफ्यूम है, इसको छोड़ के यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिजेट स्पिनर रखा हुआ है। एक नहीं, उसके नीचे और भी है। ये मेरा डिजिटल मल्टीमीटर है, इसका काम भी आप लोग जानते हैं। ये बेसिकली मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरर, मैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग में मेरा काम में आता है। यहाँ पे कुछ वायर कटर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली एक वायर कटर है। इसको छोड़ के यहाँ पे मेरे लैपटॉप के चार्जर है, लैपटॉप का चार्जर, काफ़ी सारे CDs जो है यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह है। ये एक स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में शायद आप सबको पता ना हो। ये बेसिकली इसे हम लोग
क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर है या आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर कोर्स करके रखा है तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये क्रिम्पिंग टूल क्या होता है। तो लैन जो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है जो करते हैं उसमें आपने देखा है कि ईथरनेट केबल वगैरह यूज़ होता है, उसके हेड पे एक RJ45 कनेक्टर होता है। बेसिकली उस कनेक्टर को जब ईथरनेट केबल को हम लोग सेटअप करते हैं तो वायर के साथ उस कनेक्टर को कनेक्ट करते वक्त या क्रिम्प करते वक्त इस क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको वायर कटर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कटर भी ब्लेड्स है, तो बेसिकली इसे क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते तो अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा क्रिम्पिंग टूल के ऊपर। तो बेसिकली यही था मेरा टेबल जो काफ़ी मेसी है, और काफ़ी सारे स्टप्स, बहुत सारे स्टप्स हैं जो इस टेबल के ऊपर नहीं रखा हुआ है, मैंने अलग से रखे हैं उसको। तो ये मेरा टेबल है जिसको मुझे लगा कि मैं अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर के साथ थोड़ा सा फैमिलियर कराता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट भी ज़रूर लिखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में आने वाले बेल बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके और आप उनके नोटिफिकेशन को पा सके। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।